क्यों विशेष है आज का गाना, इसमें हम बात करेंगे लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर, पहले बता दूं आपको कि आज का दिन 6 फरवरी है छह फरवरी है आज, और मंगलवार का दिन है। आज पुण्यतिथि है लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी आज के दिन हमारे बीच में नहीं रही थी, वो इस फानी दुनिया को छोड़ के चले गए। लता मंगेशकर अपने पिता की सबसे पहली संतान थी, और उनके पिता दीना मंगेशकर, हृदयनाथ उनके भाई का नाम था। दीनानाथ मंगेशकर उनके पिताजी का नाम था, और हृदयनाथ लता मंगेशकर जी के भाई थे। उसके अलावा मीना, उषा और आशा, ये उनकी तीन बहनें थी। लता मंगेशकर की बचपन से ही रुचि गाने में थी। उनके पिताजी भी एक अच्छे गायक थे, और मंगेशी परिवार था ये, क्योंकि इनका जो दादाजी थे वो मंगेशी, एक गांव था है महाराष्ट्र में, वहां से आए थे। उन्होंने अपने गांव का नाम को अपना सरनेम बनाया, मंगेशी गांव था, तो उन्होंने मंगेशकर उसको सरनेम यूज किया। लता मंगेशकर का बचपन सामान्य भी था, संगीत में रुचि थी, इस कारण गाना गाते, संगीत बजाते, और धीरे धीरे बीतने लगा। लेकिन प्रकृति वो करती है जो उसे पसंद होता है, वो नहीं करती जो आपको पसंद होता है। जब सिर्फ 12 साल की थी लता मंगेशकर, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके पिताजी का देहांत हुआ तो अत्यधिक एक निकट मित्र थे मास्टर विनायक, उन्होंने उस परिवार की जिम्मेदारी संभाली, और उन्होंने उनको धीरे धीरे प्रोत्साहन देना शुरू किया, गायकी की तरफ बढ़े। लेकिन फिर एक चोट, कुछ साल बाद मास्टर विनायक जी का भी देहांत हो गया, और फिर चूंकि लता मंगेशकर 12-13 साल की थी उस वक्त, तो उन्होंने अपना कैरियर गाने में शुरू किया। मजबूरी थी कि उन्होंने गाने में शुरू किया, लेकिन उस वक्त सिंगर बहुत अच्छा प्रोफेशन ही होता था, साइड प्रोफेशन होता था। जिस तरीके से स्टंटमैन होता है ना, कि एक हीरो एक्टिंग करता है, तो जो खतरनाक सीन होते हैं वो स्टंटमैन करता है, लेकिन आप कभी भी नहीं पहचानते कि स्टंटमैन कौन है। इस तरह से गायकों की एक था कि उसको गायक की कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ गायक गाना गाता था। इसलिए उसके बाद जब मास्टर विनायक का भी देहांत हो गया, तो लता मंगेशकर जी के साथ आए गुलाम हैदर। गुलाम हैदर एक फेमस फिल्मकार थे, उन्होंने कई फिल्में लिखी, कई फिल्में बनाई, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं थे। तो वो लता मंगेशकर जी को लेके गए एक फिल्मी डायरेक्टर है उनके पास, उनसे कहा कि लता मंगेशकर जी की आवाज बहुत अच्छी है, आप इनसे गाने गवाइए। तो जब उन्होंने उनकी आवाज सुनी, तो उन्होंने कहा नहीं 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 ये आवाज अच्छी नहीं है, बहुत पतली आवाज है। उस वक्त नूर जहां वगैरह गा रहा था, उनकी आवाज मोटी हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा नहीं 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 आवाज अच्छी नहीं है। तो गुलाम हैदर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा अपमान किया है, और एक दिन देखना ऐसा आएगा कि लोग बाग इनके पांव पड़ पड़ के इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप हमारी फिल्म में गाना गाओ। ऐसा ही हुआ भी, धीरे 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 लता मंगेशकर गाना गाती रही और उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती रही। और जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स आए, जितने भी फिल्म मतलब एक्टर्स आए, सिंगर्स आए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और जितने भी तमाम फिल्मकार आए, उन सभी ने लता मंगेशकर को मौका दिया, लता मंगेशकर के साथ संगीत दिया, लता मंगेशकर के साथ गाना गाया, और लता मंगेशकर धीरे 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 पॉपुलर होती रही। 30,000 से ज्यादा गाने गाए लता मंगेशकर ने, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उनके विश्व रिकॉर्ड को सिर्फ उन्हीं की बहन ने तोड़ा, जो कि आशा भोसले है। 30,000 गाना गाने का मतलब तकरीबन 80 साल लता मंगेशकर ने गाने गाए। 80 को यदि आप 365 से गुणा करो तो भी 30,000 की संख्या नहीं पहुंचती। मतलब 80 साल उन्होंने गाना गाए, डेली एक नया गाना गाया, जबकि डेली एक नया गाने के लिए एक गाने को कम से कम 5-7-10 बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो डेली एक नया गाना गाना और 80 साल तक लगातार गाना गाना, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि 30,000 से ज्यादा गाने लता मंगेशकर ने गाए। और सिर्फ यही नहीं, कई स्टेज परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 27 जनवरी 1963 की बात है शायद, कि लता मंगेशकर ने गाना गाया और जवाहरलाल नेहरू सब वहां प्रत्यक्ष मौजूद थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद कर लो कुर्बानी, तो जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आने लग गए उस गाने के बोल, और लता मंगेशकर की आवाज इतनी मधुर थी, लता मंगेशकर की अद्भुत ऊर्जा थी कि उन्होंने इतने ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाए, इतने ज्यादा गाने गाए। जब उनकी मृत्यु हुई तो सिर्फ भारत ही नहीं,
आप मानिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कई देशों के प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने एक शोक संदेश व्यक्त किया उनके लिए, उनकी आवाज को याद किया। कई फिल्म फेयर अवार्ड, कई अवार्ड उनके नाम है, पद्मश्री, पद्म भूषण, उसके अलावा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनके पास था। वाकई भारत रत्न थी वो, और स्वर्ग कोकिलों के नाम से फेमस थी। अद्भुत ऊर्जा थी, अद्भुत उत्साह था उनमें। हम सभी कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, उस लता मंगेशकर को याद करते हुए आज सभी श्रद्धांजलि अर्पित करें लता मंगेशकर जी को। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।